How are you all? Fine. Okay. So today we are going further with our chapter number 23, A Beautiful Cloak. Okay. So first of all, open your workbook. Have you opened? Yes. Open page number 195. See here. Which of the following is an agro-based industry? तो कौन सी जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है? फिशरी, डायमंड, क्लोथ या सीमेंट? तो एग्रो बेस्ड कौन सी है? क्लोथ. ओके, सो दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ सी, विच सिटी ऑफ गुजरात इज नोन एज द मैनचेस्टर फॉर इट्स क्लोथ इंडस्ट्री? क्लोथ इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है तो गुजरात की कौन सी सिटी है वो? अहमदाबाद. तो देखो अहमदाबाद कहाँ दिया हुआ है? बी ऑप्शन में. यस. Now see which region of Gujarat is famous for its cotton. Cotton के लिए कौन सा region famous है? You know children, we learned in the fill in the blanks. कौन सा region famous होता है cotton के लिए? Kannam region. Yes. तो देखो कहाँ है? Wagad region, Dhar region, Charottar region and Kannam region. तो वो D में दिया हुआ है. So your correct option will be D. Now see fourth number. Which crop grows in abundance at a place where cotton industry is well developed? जहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप हुई होती है वहां पे कौन सा क्रॉप सबसे ज्यादा होता है? ऑब्वियसली कॉटन, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री कहाँ एस्टैब्लिश करेंगे? जहाँ पे कॉटन इजीली अवेलेबल हो और ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ना लगे. सो दैट इज कॉटन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोथ्स आर यूजफुल इन विंटर? तो विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स है ना, गर्म कपड़े पहनते हो, स्वेटर, शॉल. तो वो किससे बनी हुई होती है? वो वूल से बनी हुई होती है. सो दैट इज वुलन क्लॉथ. ओके चिल्ड्रन, क्लियर अप टिल हियर? नाउ सी, वी आर मूविंग फर्दर विद आवर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, सो सी नंबर वन, हाउ वाज साजिदा दुपट्टा में? तो साजिदा का वो दुपट्टा था वो किससे बना हुआ था? उस पे एक एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ था, है ना, और क्या था? मिरर्स लगा हुए थे. सो हियर यू विल राइट, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल. साजिदास दुपट्टा हैड अ ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड स्टोन मिरर्स आर स्टक ऑन इट. स्मॉल मिरर्स, छोटे छोटे मिरर लगाए हुए थे उसके दुपट्टे में. सो स्मॉल मिरर्स आर स्टक ऑन इट. क्लियर. नाउ सी नंबर टू, विच इज द इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर क्लोथ इंडस्ट्री इन गुजरात? सो गुजरात में क्लोथ इंडस्ट्री के लिए कौन सी जगह सबसे इंपॉर्टेंट है? सो दैट इज अहमदाबाद एंड सूरत. हैंडबैग,
फिर है रो, कारपेट, गनी बैग्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो जूट फाइबर में से क्या बनता है? हैंडबैग, रो, कारपेट, गनी बैग्स। ओके, क्लियर। नाउ सी नंबर सिक्स, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन एब्यूडेंस एट अ प्लेस वेयर कॉटन इंडस्ट्री इज डेवलप्ड। जहां पे कॉटन इंडस्ट्री होती है वहां पे सबसे ज्यादा कौन सा क्रॉप पाया जाता है? ऑब्वियस है, कॉटन इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री कहां बनाएंगे? जहां पे कॉटन हमें इजीली अवेलेबल हो, तो हम वहीं पे कॉटन इंडस्ट्री बनाएंगे, है ना, ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लो हो जाए। सो कॉटन जो है वो सबसे ज्यादा उगता है जहां पे कॉटन इंडस्ट्री होती है। ओके, सो हियर यू विल राइट इन आंसर कॉटन क्रॉप, फिर पूरा क्वेश्चन में से आर ग्रोन इन एब्यूडेंस एट अ प्लेस वेयर कॉटन इंडस्ट्री इज डेवलप्ड। उनको सिर्फ कॉटन क्रॉप ही याद रखना है, बाकी तो पूरा क्वेश्चन में से क्लियर चिल्ड्रेन। यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग ये पूरा नहीं लिख रहे हो, तुमको याद नहीं रहता है, अगर तुम सिर्फ इतना याद करते हो कॉटन क्रॉप और ये इतना ही लिखोगे, देन ऑल्सो योर आंसर विल बी राइट। ओके, यू क्लियर अप टिल हियर? यस, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट, बाय बाय, थैंक यू।